फाइलम सिलेंट्रेटा और टीना निडेरिया, नाम से लग रहा है सिलेंट्रेटा, इनके अंदर कैविटी होती है उसे अपन सिलेंट्रॉन बोलते हैं, इनकी कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ही बोलते हैं, और उसके पोर को हाइपोस्टोम बोलते हैं, फूड मटेरियल वहां से एंटर करता है तो अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर वहीं से निकलता है। क्लियर है क्या बच्चों? सिलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों ही प्रकार का डाइजेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और एग्जाम्पल जो बेस्ट है उन्होंने आपको इसका हाइड्रा ओबिलिया ओरिलिया, ओरिलिया को जेलीफिश बोलते हैं, ये फॉल्स फिश है बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिश तो फिशेज हैं जो पाइसीज में आती हैं, वो तो कॉर्डेट्स हैं, इनको जेली फिश इसलिए कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, अभी फोटोग्राफ देखा था आपने, और एक्वेटिक है, पानी के अंदर ये स्विंग करती है। कभी आप सी कोस्ट गोवा वगैरह जाओ, बॉम्बे वगैरह, तो आपको बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के किनारे ये तैरती हुई मिलेगी, और ये नुकसान भी पहुंचाती है स्विमर को, तो दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, ये वर्ड याद रखना है आपको। सिलेंट्रेट्स के अंदर जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली मैराइन है, एक्वेटिक है, फ्यू फ्रेश वाटर और एग्जाम्पल हाइड्रा है, कार्निवोरस होती हैं, ससाइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडियल सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री पहले बता चुके आपको, मान लीजिए बॉडी है और इसका ये मिड पॉइंट है और ये इसका मेन एक्सिस है, इस मिड पॉइंट को मेन एक्सिस मान करके इस बॉडी को इस साइड कट किया जाता है, तो ये हाफ पार्ट यहाँ हो जाता है, ये हाफ पार्ट यहाँ हो जाता है, इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है। इनका जो नाम है वो नीडो ब्लास्ट सेल की प्रेजेंसी की वजह से जो है वो निडेरिया कहा जाता है, तो द टर्म निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडो ब्लास्ट सेल्स और नीडो साइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसे अपन निमेटोसिस्ट बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट इन द टेंटिकल एंड बॉडी, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे, ये याद होगी लाइन आप सबको, पक्का याद हो गया? चलिए, तो नीमेटोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल्स, निडेरियन एक्स एव द टिश्यू लेवल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एड आर द डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल का मतलब आप जानते हो सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ में है, सेलुलर लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलीफेरा के अंदर है, और टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर होता है। क्लियर है मनीषा जी? चलिए, तो निडेरियंस एक्सेप द टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है पांडे जी कि दो जर्म लेयर्स होती हैं, यहां पर उनको एक्टो और एंडो के नाम से नहीं जान करके पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के नाम से जानते हैं, वो नाम भी बताएंगे आपको, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के अंदर इनके सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये फोटोग्राफ है यहां पर टेंटिकल्स का, देखो आप ये बाहर टेंटिकल निकले हुए हैं, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द नीडोब्लास्ट, ऑपरकुलम है, नीडोसिल्स हैं, लासो सेल्स होती हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स हैं इसके अंदर लाउस सेल, सपोर्टिंग फाइब्रिल्स हैं, नीमेटोसिस्ट है जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं, और थ्रेड ये जो इसे नीडा भी बोलते हैं, तो इस तरह का डायग्रामेटिक व्यू है नीडोब्लास्ट सेल्स का जो कि इन टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है बच्चों?
ऑफेंस एंड डिफेंस का भी काम करते हैं ये। सिलेंट्रेट्स है तो टू जर्म लेयर, एक्टो और एंडो, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इसके अंदर एक मीजोगिलिया लेयर होती है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो मीजोगिलिया लेयर है उसमें डिफरेंट स्केटर्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट, बताया था मैंने आपको, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है बोथ लेयर ऑफ द बॉडी वॉल आर टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ द सिलेंट्रेट। ये टोटिपोटेंट होती है। टोटिपोटेंट का मतलब जानते हो क्या? कौन बताएगा? टोटिपोटेंट सेल का मतलब, हाँ बोलिए आप, बोला बताइए मनीषा जी, आप बताइए। हाँ, टोटिपोटेंट सेल का मतलब है कि इससे हम बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। तो रीजनरेशन नहीं है बेटा, जिसने बोला था एनी ऑर्गन। तो आजकल बच्चे एक या दो ही होते हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कुछ सेल्स को आइसोलेट भी करके और उसको प्रिजर्व करवा देते हैं काफ़ी लोग, उससे ऑर्गन बना सकते हैं। मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई तो उन सेल्स के द्वारा किडनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि हमारी बॉडी के ऑर्गन हमारे एक एज में जाकर के जब ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन हम डेवलप करके, मतलब साइंटिस्ट, और हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये आने वाले 50 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। अभी भी साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया, मतलब कभी हार्ट की वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर बना ही लिया। वो जानते हो आप ऐसे नोड, पूरा हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी तो लिविंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब किसी कोई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया उसके और हार्ट वर्क कर रहा है तो उसका जो है वो हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उस पर्सन का निकाल करके उसको डाल देते हैं जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़पेपर में भी जीके का क्वेश्चन है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पर जो डेवलप हो रही है, इसका मीन ये है कि ये नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की नेचुरल जो लाइफ है उसके स्पान को बढ़ाना। भाई मरने से तो हम नहीं रोक सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट तो ये भी दावा कर चुके हैं कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये। फिर भगवान को जो हम मानते हैं, कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क, वो सारा अलग थ्योरी हो जाएगी उसकी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कुछ सिंगर हैं भाई, हम 18 साल 20 साल की उम्र में बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। कभी ऐसा जीन आ जाए कि हमारी उम्र तो 80 साल की हो लेकिन लगे हम 20 साल के, कैसा लगेगा बताओ? मजा आ जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा भी रिसर्च चल रही है जिसे मैंने बताया था आपको, टीलोडेंड्रिया, क्रोमोसोम का एंड पॉइंट घिस जाने से हमारे एजिंग के फैक्टर्स आते हैं, मतलब एज रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उम्र बढ़ती रहे और थकान भी होगी सही, इतनी भी ना हो कि बॉडी हम सर्वाइव कर सके। चलिए, तो इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन द बोथ लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द टोटिपोटेंट सेल ऑफ द सिलेंट्रेट, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन बोलते हैं उसको, विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑफ द हाइपोस्टोम, इनकम्प्लीट डाइजेशन ट्रैक्ट, ब्लाइंड सेक कहा जाता है इसको। इनकम्प्लीट का मतलब है कि इनकी जो कैविटी है उसमें एक ही पोर है, उस पोर का नाम है हाइपोस्टोम। वो पोर ही माउथ का काम करता है और वो पोर ही
एनएस का काम करता है। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, डाइजेशन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज द इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर। हमारे बॉडी में बताइए कौन से टाइप का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा होता है या इंट्रा होता है? वेरी गुड, आकांक्षा जी ने बताया शायद ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है बेटा, सेल के बाहर होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। सेल के अंदर डाइजेस्टिव फूड जाता है, जबकि जो हाइड्रा है सिलिंड्रेट्स हैं, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप का जो है वो डाइजेशन होता है। क्लियर है क्या? तो डाइजेशन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर टेक प्लेस इन द सिलेंट्रॉन एज वेल एज द फूड वैक्यूल ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कोई बच्चा भी आया शायद, अक्षय जोशी जी आए हैं कोई, सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड बिसाइड पार्टली डाइजेस्टिंग इट। दिस ड्यूल रोल इन द रीजन वाई द सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिलेंट्रॉन जो है बेटा एक कैविटी का नाम है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ऐसे ही सिलेंट्रेट्स के अंदर कैविटी होती है, इसे बस सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, और उसमें ही डाइजेशन होता है और सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। तो सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड बिसाइड पार्टली डाइजेस्टिंग इट। दिस ड्यूल रोल इन द रीजन वाइल द सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सम ऑफ द निडेरियंस, जैसे एग्जाम्पल है कॉरल्स, ये नीट में मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन, इसलेटन कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जो कॉरल्स रीफ हैं, नाम सुना आपने ऑस्ट्रेलियन ग्रेट रीफ सुना ना, तो कई हजार किलोमीटर तक एक सेतु बन जाता है ना, तो वो ये इसलेटन ही होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता। तो सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल कोरल हैव द स्टर्न कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। सिलेंट्रॉन एक्सेप्ट द टू बेसिक बॉडी फॉर्म, डाइमॉर्फिक है, कॉल इज द पॉलिप और मेडूसा। मैंने बताया था आपको अभी वीडियो के अंदर दो स्टेज होती है इसके अंदर, अल्टरनेट ऑफ द जनरेशन, पॉलिप के बाद मेडूसा आता है, मेडूसा के बाद पॉलिप आता है। तो मेडूसा सेक्सुअली फॉर्म द पॉलिप एंड पॉलिप फॉर्म द मेडूसा असेक्सुअली। इसके लिए टर्म यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। क्या लिख पड़ते हैं बेटा? मेटा, ये टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी में भी है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एक्चुअली में अब हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, तो कम से कम हमको प्रेजेंट टाइम पर एनसीईआरटी को 100 times रिवाइज करना है, एक एक पॉइंट को फोकस करना है, हाईलाइट करना है, हाईलाइटर लगाना है, और इम्पोर्टेंट जो ब्लैक वर्ड है एनसीईआरटी के अंदर उनको जो है वो आप डेप्थ में उनके बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी एक सिलेबस है, उसको हमको थोड़ा सा एक्सपोज करके पढ़ना होता है, तो उन टर्मिनोलॉजी को, उन मीन को हमको एक्सप्लेन करके याद करना है। कभी कभी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आए तो आप गूगल पर जा सकते हैं, वहां से भी उसके बारे में देख सकते हैं। कोई वर्ड का मीन नहीं आता है तो बिल्कुल वहां से गूगल से भी उसके बारे में बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इन सब का यूज पढ़ने के लिए किया जाए तो बेस्ट है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो सिलेंट्रॉइड्स एक्सेप्ट द टू बेसिक बॉडी फॉर्म, डाइमॉर्फिक बोलते हैं इसको, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप क्या है, मेडूसा क्या है? पॉलिप का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है शेप के अंदर, जैसे हाइड्रा है, एडम्सिया है। मेडूसा अमरला शेप्ड होता है जैसे ओरिलिया, इसे ही हम जेलीफिश कहते हैं, और ये क्वेश्चन नीट का है। ये फॉल्स फिश भी है, फ्री स्विमिंग है बेटा, ये मोस्टली ससाइल होते हैं, ससाइल का मतलब एक जगह पर रहते हैं,
बट समटाइम मोटाइल रहते हैं, मे बी सोलिटरी और कॉलोनियल है, सोलिटरी का अकेले रहने वाले, कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी में रहने वाले। माउथ एंड टेंटिकल्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड, असेक्सुअली फॉर्म होता है, माउथ एंड टेंटिकल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की ओर होता है इनका माउथ, और सेक्सुअली फॉर्म शो करते हैं। तो मेडुसा सेक्सुअली फॉर्म, पॉलिप असेक्सुअल फॉर्म। ये डिफरेंस समझ आएगा सब बच्चों के? ये फोटोग्राफ देखिए आप, एनसीईआरटी में बने हुए फोटोग्राफ है। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रेट्स इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ द देयर बॉडी फॉर्म, एडम्सिया पहला डायग्राम पॉलिप को शो कर रहा है, ओरिलिया मेडुसा दूसरा डायग्राम, ये जेली फिश है। दो निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एक्सिबिटिंग अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा मेटाजेनेसिस। याद हो जाएगा क्या मेटाजेनेसिस? ये मेटामॉर्फोसिस नहीं है, मेटास्टेसिस भी नहीं है, ये मेटाजेनेसिस है। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके कि स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, पॉलिप के बाद मेडुसा, मेडुसा के बाद पॉलिप, इस तरह की इनकी लाइफ हिस्ट्री जाती है। तो दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन द बोथ फॉर्म एक्सिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप प्रोड्यूस द मेडुसा असेक्सुअली, ये लाइन याद रखनी है आपको, एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, एग्जाम्पल है मोबिल ओबिलिया और फाइसेलिया। जो ओबिलिया है और फाइसेलिया है इनके कॉमन नेम भी देखेंगे अपन अभी, है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस, एक्सक्रीटेड मटेरियल इनका अमोनिया होता है बेटा। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है, कंसिस्ट ऑफ द नॉन पोलर अपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ वो सिलेंट्रेट से ही हुआ है। पोरीफेरा में हमने कोई नर्वस सिस्टम की बात नहीं की थी, याद होगा आपको, वहां पर कोई नर्व नेट नहीं बनती है। एग्जाम्पल है फाइसेलिया, फाइसेलिया जो है इसका कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ द वॉर, पुर्तगाल का युद्ध पोत ऐसे कहा जाता है इसको। जैसे एक आर्मी पर्सन होता है उसके ऊपर जो हैट लगा हुआ होता है उसको स्पॉटेड रहते हैं, ऐसे इसका शेप होता है बॉडी का, तो इसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। एडम्सिया सी एनिमोन कहा जाता है। पेनेटूला इसे अपन सी पेन या सी फैन बोलते हैं, सी फिदर बोलते हैं सॉरी, इनके कॉमन नाम पूछते हैं। गोरगोनिया को सी फैन समुद्री पंखा कहा जाता है, और मेड्राइन को ब्रेन कोरल कहा जाता है, मेंड्रेना मेंड्रीना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ब्रेन में आपको फीड हो गए हैं। क्लियर है क्या बच्चों? चलें आगे। वेरी गुड। लार्वा ऑफ द ओबिलिया प्लेनुलर लार्वा कहलाता है, ओरिडिया का लार्वा इफायरा कहलाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इनके लार्वा के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है, रेफरेंस से हमने दिया है आपको। कभी कभी बहुत सारे लार्वा का नाम दे करके पूछ लेते हैं, कुछ कुछ लार्वा के नाम दे रखे हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये बताया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।